क्लॉक टावर वहाँ पे फेरी का सब टाइम लिखा हुआ है राइट, फेरी डिपार्चर टाइम। हम लोग आए हैं ला टकेरिया जो कि है 24th मिशन स्ट्रीट पे, और यहाँ पे आज हम लोग खाएंगे बरीटोज। ये हमारा बरीटो है, अच्छा है, कैसा लगे? बहुत टेस्टी है। फिशरमैन वॉर्फ की तरफ और पियर 39 की तरफ। यहाँ पे वो जो सामने दिख रही है ना वो है अल्कैट्राज, लेकिन ये जगह बहुत फेमस है और सबसे ज़्यादा टूरिस्टी भी है। तो यहाँ हम लोग आए हैं शाम को, मौसम बहुत अच्छा नहीं है, क्लाउडी है बहुत, बट अगर हम कहीं घूमने आते हैं तो नंबर ऑफ डेज तो फिक्स होते हैं, तो घूमना तो है ही। यहाँ पे पहले आ चुके हैं तो एक एक चीज़ मुझे दिखा रहे हैं क्या कहाँ है और क्या खाना किधर अच्छा मिलता है। यहाँ पे सी लायंस देखने मिलेंगे, रेस्टोरेंट्स हैं, टी शर्ट्स की बहुत अच्छी अच्छी दुकान है। एंड यू कैन सी लाइक हाउ टूरिस्ट दिस प्लेस इज, बहुत भीड़ है यहाँ पे। अल्कैट्राज वही उसी आइलैंड का गिफ्ट शॉप है ये। तो यहाँ पे टी शर्ट्स मिलते हैं सैन फ्रांसिस्को के बहुत सारे अलग अलग दुकानों में। यहाँ पे टी शर्ट्स मिलते हैं, देखो 3 टी शर्ट $20 के ऐसे अलग अलग। अभी हम देखेंगे सी लायंस जो कि आगे हैं। ये वाली राइड यहाँ पे बहुत फेमस है। एक ये राइड भी है। I just want you, I just need you, I don't know what it is you do,
I just want you, I just need you, I know what it is you do. ये यहाँ पे पेंटिंग बना रहे हैं, जो सामने रहेगा बिल्कुल उसका, इतना सुंदर रियल पेंटिंग बनाया है इनका. लाइक दीज आर नॉट रियल राइट. ओ माई गॉड, दूर से कितने रियल लग रहे हैं. फूड मैगनेट्स लाइक 2 for $10 एंड दिस इज लुकिंग सो रियल दूर से. ये बिल्कुल डोनट लग रहा है, ये बिल्कुल बनाना ही लग रहा है, और ये तो बर्गर ही है. बट दीज आर ऑल मैगनेट्स. सो नाउ फाइनली वी आर हियर, जहाँ पे जो सी लायंस होते हैं वो लोग बैठते हैं. एंड पियर 39 का जो रियल फोटोग्राफी है वो तो यहीं पे होगी. सो दिस प्लेस इज क्वाइट फेमस. और वो देखो वो सिल्वर के ट्री है, वो देखो सामने. या पूरा फॉग हो गया उधर. तो गोल्डन गेट ब्रिज तो दिखेगा नहीं यहाँ से, क्योंकि वो पूरा फॉग ही है. तो वो जो सामने है वो है अल्कैट्राज़, और आप देख सकते हो क्लाउड कितना है. हमारी हालत खराब हो रही है ठंडी की वजह से. यहाँ बहुत ठंडी है, समर में भी मुझे पता था ठंडी रहेगी थोड़ी थोड़ी, इतनी ज्यादा रहेगी वो पता नहीं था. बहुत ठंडी है बाबा, नाक लाल हो रहा है ठंडी की वजह से. पे जो भी आता है ना प्यार वाले लोग जो है वो यहां कपल्स ताला लगा के जाते हैं. एक ओके लव एंड प्रॉमिसेस एंड एवरीथिंग. लॉक्स ही लॉक्स बहुत सारे. लाइक ये तो आगे भी है, पूरा पूरा आगे तक है. तो या इट्स ब्यूटीफुल. देखो कितनी बड़ी बड़ी शिप्स वहां पे आती है. या वो सामने दिख रही बड़ी शिप. यस, वहां एक बहुत बड़ी शिप है. लाइक दिखेगा नहीं इतना दूर है. ये वाले ये लोग जा रहे हैं अल्कैट्राज़. एक जा रही है और एक वहाँ से आ रही है. तो ऐसा है अल्कैट्राज़ एक बहुत बड़ा जेल था पुराने टाइम में. तो विकी अल्कैट्राज़ जा चुके हैं और वो एक जेल था जैसा कि मैंने आपको बताया, और अभी उसको म्यूजियम में से चेंज कर दिया गया है. पीपल गो देयर. चलो अभी सी लाइंस देखेंगे. ठंडी लग रही होगी उनको, लग रहा है. अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही है, सिर्फ एक है, बाकी सारे चले गए. एक जैकेट काम नहीं आया. हाँ सच में. लाइक हम लोग प्लानिंग बना रहे हैं साइकिलिंग करने की गोल्डन गेट ब्रिज पे, लेकिन वही बात कर रहे थे कि अगर इतनी ठंडी रही तो आई डोंट नो. एक एक जैकेट ही लाया है हमने, क्योंकि हमने सोचा यू नो समर टाइम है, ज़्यादा ठंडी होगी नहीं. बट नो बहुत ठंडी है, और देखेंगे. वी वॉन्ट टू डू इट, विल ट्राई टू डू इट, बट लेट्स सी. अभी हम लोग आए हैं यूनियन स्क्वायर में, और ये पूरा बड़ा सा यहाँ पे गार्डन है. यहाँ पे इतना बड़ा मेसीज का शॉप है. या बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है, बहुत बड़ा है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए.
तो बहुत ठंडी है यहाँ पे, इसलिए जैकेट्स रख लिए हैं। चलो फिर पहले तो ब्रेकफास्ट से शुरू करना है, तो वी आर गोइंग टू ईट ब्रेकफास्ट फर्स्ट। तो ये होटल का थोड़ा बैक साइड का एरिया है और ये होटल में फ्लो वाटर करके पानी का मशीन भी दिया हुआ है, विच इज़ क्वाइट गुड, होटल्स में कम मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे स्नूकर और पूल खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये मुझे काफ़ी फैंसी लगा, टेलीफोन बूथ, यूरोपियन स्टाइल होटल है यहाँ पे। यहाँ पे एक बार भी है एंड ये लाउंज एरिया है, यहाँ पे काम कर सकते हैं, यू नो टीवी वगैरह देखना हो तो, विच इज़ नाइस। एंड दिस इज़ द ब्रेकफास्ट एरिया, पे कॉफ़ी वगैरह है। एंड या वहाँ से स्ट्रेट बाहर निकल जाएंगे। और यहाँ पे ये स्टेयर्स भी है अगर ऊपर जाना हो तो, सीढ़ियों से, तो या क्वाइट गुड। तो हम लोग अपने होटल के बिल्कुल बाजू में ये रेस्टोरेंट है कैफ़े मेसन, यहाँ पे करेंगे ब्रेकफास्ट। यहाँ का ब्रेकफास्ट काफ़ी फेमस है, तो चलो चलेंगे। और ये वाला रोड देखो लाइक कितना एलिवेटेड है, कार आ रही है फिर वापस और एकदम ऊपर तक है वहाँ तक। तो हम लोग बैठे हैं बार स्टाइल वाले टेबल पे और थोड़ा अलग एक्सपीरियंस है। और ये इनका मेन्यू है, विक्की भी देख रहे हैं क्या लेना है। तो यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, बहुत डिलीशियस है, लाइक मैंने तो दो दो चीज़ें मंगा ली और विकी को भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी इससे जाएंगे फिशरमैन्स वॉक और देखो वहाँ पे एक ऑलरेडी आ रही है। चलो तो ये वाली जो है केबल कार, ये आने वाली है इस ट्रैक पे चल के वहाँ कोने तक। ये जो राउंड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं राउंड टेबल, यहाँ पे राउंड हो जाएगी। और उसके लिए भीड़ देखो लाइक कितनी भीड़ है पहले से ही, वो पूरा यू टर्न लेकर यहाँ तक भीड़ है। और विकी यहाँ पे है, विकी हम भी लाइन में ही खड़े हैं और फिर अभी हम इसमें चढ़ेंगे। ये बहुत फेमस है, तो हमने इसका पासपोर्ट ले लिया है और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं फिशरमैन वॉर्फ की तरफ। तो इसका जो टिकट है आप या तो यहाँ पे फिज़िकल ख़रीद सकते हो, वहाँ पे एक कियोस्क बना हुआ है वहाँ जाके आप ख़रीद सकते हो, या फिर म्यूनी के ऐप में ख़रीद सकते हो। म्यूनी का ऐप एंड एवरीथिंग मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है, अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो जाकर चेक कर लो, मैं उसका लिंक डाल दूँगी यहाँ आई बटन में। तो आप इसका टिकट ख़रीद सकते हो या फिर म्यूनी ऐप पर ले सकते हो। एक साइड से इसका टिकट है $8 का, $8, और पास अगर आप लोगे पूरे दिन का, जिसमें म्यूनी की सारी बसेस, रेल और ये भी आता है केबल कार भी, तो वो $13 का है। आई थिंक वो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा क्योंकि आप उसको अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हो, राइट। तो बस हम जा रहे हैं इस पे राइड करने और नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि हम इस पे जा रहे हैं फिशरमैन्स वॉर्फ।